हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन गुलेले। मैं आज आपको बताऊंगा लाइफ में टारगेट होता है और होना ही चाहिए। लाइफ में टारगेट, बिना टारगेट के लाइफ वेस्ट होती है। हर कोई आगे तो बढ़ना चाहता है, तो उसको मालूम है क्या आगे कैसा बढ़ा जाता है? अब बढ़ू भी तो किसके लिए बढ़ू यार? हर कोई पढ़ाई करता है, जैसे आजकल के बच्चे टेंथ पास होते, ट्वेल्थ पास होते, बाद में क्या करते, भर्ती के पीछे लगते, पुलिस भर्ती आदि हो जाती है। मगर उसके भी जो कम से कम 3 से 4 साल बर्बाद होते, कोई लगता है कोई नहीं लगता, तो कभी उन्होंने यही टाइम में खुद के टारगेट सेट कर लिए। हाँ, मुझे ये हासिल करना है, अपनी स्किल किस के लिए डेवलप करनी है, खुद का ऐसा कोई भी टारगेट उन्होंने सेट कर लिया। आपके सामने बस मुझे यही बनना है, या तो जो काम मुझे पसंद है दिल से मैं वही करूँगा, आखिरी दम तक वही करूँगा, वो काम आप एक मास्टर बन जाओ, क्योंकि आप वो काम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आप सिर्फ बनना होगा आपको, तो आप खाने में जब आप खाना बनाओ तो आप उसमें न्यू एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें आपको पता चलेगा इसका स्वाद ऐसा नहीं है। आप खुद में मास्टर बनते जाओ कि आपके सामने आपको मुझे सिर्फ बनना है, मुझे ऐसा सिर्फ बनना है कि दुनिया का अभी तक कोई बन नहीं पाया। हाँ, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर ऐसा बनू कि दुनिया में अभी तक का कोई ऐसे लेवल पर लेके नहीं आया हूँ मैं इंजीनियरिंग को, वो लेवल भी मुझे दिल से पसंद है, किसी के दबाव में नहीं करना मैं इसलिए। इसीलिए ऐसा कोई भी लाइफ का काम, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, वो पढ़ाई जो दिल से की जाती है उसे पढ़ाई कहते हैं। रट्टा मार के पास बहुत होती है, जो प्रैक्टिकल करता है उसको सबसे ज्यादा पुस्तक का नॉलेज होना जरूरी है, ये कन्फर्म है, मगर आप कोई चीज में प्रैक्टिकल कर लोगे ना आपको सबसे ज्यादा समझता हूँ। कोई भी लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलना मुश्किल है, कोई बोलता है चाहता हूँ मैं, मगर 1% के लिए ऐसा लड़ूंगा कि मैं अपना 1% लूंगा, फिर मैं जाके अपने टारगेट को अचीव करूंगा। थैंक यू।